दिस वीडियो इज अबाउट मोमो का क्वालिटी चेक। ये भैया टेस्टिंग में है। अरे उसके दुकान से तो दूर होगी। करो चलो फर्स्ट डेवलपर भी तो दिखा, डेवलपर भी तो दिखा। डेवलपर भैया है, ठीक है। अब और ये मैनेजर है, गंजा मैनेजर। ये मैनेजर जो काम नहीं कर रहा, वो चल रहा है, लोगों को बोल के चला गया। आप लोग करो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। इसको असाइन हुआ था, पर ये हमें देके चला गया। अब पहली चीज है जो इसका ये आउटर कवरिंग है, ये बहुत थिन होनी चाहिए। पर भैंस की चमड़ी जितनी मोटी है। तो पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि डिजाइन में काफी दिमाग लगाया है। बिल्कुल मोदक जैसा अचीव किया गया है। मोदक जैसा कैसा क्या बेकार गरम तो देखिए हमारे मैनेजर को देखिए किस तरीके का फीडबैक। आप देख रहे हैं ना, कंपनी में भी ऐसे मैनेजर्स होते हैं जिन्हें घंटा कुछ पता नहीं है। अब इसको पहले हम छोले की सब्जी में इसको डुबाया है, दही लगा के। कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा। ये गोल्डन शब्द निकले हैं, इट्स गुड बट गर्म है, काफ़ी गर्म है। देखो पर आउटर कवरिंग ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही है। अरे भाई ये नारियल की चटनी लग रही है। कैसा था? किसी शॉप में, फतेहपुर सीखने में मिलती है नान कटाई। बढ़िया। नहीं नहीं, किसी शॉप। क्या बोला? किसी शॉप में मिलती है, मिठाई की दुकान पर। अच्छी मिल जाएगी। क्या मिठाई की दुकान में नान कटाई कैसे मिलेगी? हाँ मिल जाएगी। ये मिठाई की दुकान बाल के दुकान से आता है। मैं तुझे एक दिन आते टाइम ला के दूंगा। तू ये तो बता, देखो तेरे को कॉलिन कैसा लग रहा है? ब्लूबेरी सोडा, वेरी गुड। कैसा लग रहा है तुम्हें? हमारे तो घर आ गए थे। कौन आ गए थे? डीलर्स। क्यों? जो एक वहाँ पे पापा के स्कूल के सामने हैं, तो वहाँ पे वहाँ से हमने अपनी वैगन ली थी। ये रिकॉर्ड क्या कर रहा भाई? चटनी के ओए बंद कर दिया भाई। बस नाटा डो तारन। हाँ तो उतने में दूंगा वरना नहीं दूंगा। अगर आप इसमें ध्यान से देखें इसका टेक्सचर, आप देखें मतलब कितना फाइन है ये, मतलब कितना क्रिस्पी लग रहा है। मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। आई होप इट्स कैसे है सर? जल्दी जल्दी चाके दे गई जल्दी। सजल जी आप बताएंगे कि इन्हें कैसा लग रहा है? क्रिस्पी। टेस्ट इज ऑल्सो गुड, ऑलमोस्ट लाइक भजिया। ओहो ऑलमोस्ट लाइक भजिया। वेरी नाइस। म्योरी से कितनी गाड़ी है? मास्टर शेफ। अच्छा कैसा लगा? क्रंची मोमो टाइप से जी तर मेरा उदाहरण। इसको अच्छा नहीं लगा। आरटीआर क्या लिखा हुआ है? टीवीएस रेडर लिखा हुआ है। आरटीआर कहाँ है? अच्छा ये रेडर है। रुक जा रुक जा रुक जा यार। मैं भाई मेरी इतनी बेइज्जती होती ना तो मैं चटनी फेंक देता हूँ उठा के इतने में। खुद पे नहीं, सामने वाले पे फेंक देता मैं। तू वो खा। अबे इसको इसको भी खत्म करो। $3 billion की सेल होगी। तुमको कुछ आ रहा है उसमें से कि नहीं आ रहा? बात तो ये है कुछ इंसेंटिव तुमको मिल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं मिलेगा इसका भाई। इतना ज़्यादा ट्रैफिक को संभालने के लिए जो इसने वेबसाइट बनाई है और रोबस्ट है ना, तो कुछ देना चाहिए ना भाई। अगर देगी भी तो वो अपने उनको देगी, शोरूम वाले एम्प्लॉइज को। हाँ भाई ऑनलाइन बिकी है ना। बोल नाटा, तेरे को आर एस एस ज्वाइन करके कैसा लग रहा है? ज्वाइन करूँगा, अभी तक किया नहीं आर एस एस ज्वाइन। तूने अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया है? अभी तक नहीं किया है, अभी करने वाला हूँ। अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक नहीं किया, इसने कर लिया। ये बहुत परेशान है। तेरे को कैसा लग रहा है? क्या 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 बोला? जय श्री राम के नारे लगाने। बोलो जय श्री राम। जोर दे रहे, इतना वीक कौन बोलता है यार? अरे वो देखा था जो थोड़ा तेज तो बोल। अरे तू तो है ही फालसी आदमी। मैं भेजा था, वो एक बच्चा था अपनी स्टेज की परफॉर्मेंस कुछ कर रहा होगा, निकाल दिया स्टेज से, जबकि उसने बोला भी नहीं था। ऑडियंस ने चिल्लाया जैसे ही राम,
ठीक है, फिर उसने पहले तो बिना माइक के बोल दिया कि जय श्री राम ऐसे करके, फिर पूरे बहुत सारे बच्चों ने चिल्लाया जय श्री राम, तो फिर उसने माइक पे बोल दिया जय श्री राम, वो एक मैडम खड़ी हो गई वहाँ से, सर खड़े हो गए, गेट आउट फ्रॉम देयर, केस कर दिया ना यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी को केस। ऐसे कैसे आप रोक रहे हो? उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी थी वो। ऐसे आप काम केस हो गया क्या? अभी तो यूनिवर्सिटी पे हुआ ना, यूनिवर्सिटी पे केस हुआ बच्चे पे नहीं। क्या कर, फोन पे है सर, बताइए कुछ अपने बारे में। जय श्री राम। छाती फाड़ के दिखा दीजिए आज। हनुमान यूनिवर्सिटी। कुछ तो करिए। जय श्री राम। कुछ और। जय श्री राम। भूपेंद्र जोगी। आपका नाम? श्री राम। अब यूएस में कहाँ कहाँ गए हैं? हो गया हमारा, हो गया यहीं दिया। आप ज्वाइन करेगा क्या? आप यूएसएस में, यूएसए में कहाँ कहाँ गए हैं? यूएसए में रशिया गया हूँ। रशिया गए हैं? रशिया में क्या देखा आपने? कुछ नहीं, 6,000 रुपये खर्चा करके आ गया। आरएसएस ज्वाइन करा रशिया में? आरएसएस नहीं। क्यों? मैंने सुना तूने आरएसएस की रशिया वाली ब्रांच खोली है। अखंड भारत भाई, ये तो यूट्यूब पे मत डालना। आई थिंक मैं इनकी कड़ी शब्दों में निंदा करूँ। ये भी डाल दूंगा बोलते हुए। मैंने भी कुछ नहीं कहा, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने ही नहीं चाहिए आपको। आई थिंक जब भी आप कुछ जवाब, ये जगह है ये पूछने की, ये जगह है ये पूछने की। ये आई थिंक जो वीडियो बना रहा है आप उसके कमेंट सेक्शन पे जाकर उनको गालियाँ दीजिए, जितनी हो सके भर भर के गालियाँ दीजिए। इस तरह की वीडियो बना के मैं तो बना ही नहीं रहा। इस आदमी ने बोला है कि मुझे रिकॉर्ड करके वीडियो बनाओ, तो मैं तो बना ही नहीं रहा, ठीक है? तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है? मेरे पे तो रिकॉर्ड ले रहा है। तू रशिया का बोल रहा था ना, क्योंकि रशिया में आरएसएस की बात कर रहा था तू। मैं तो इंडिया में आरएसएस का प्रचारक बनूंगा। ये हुई ना बात, और कुछ बताइए आरएसएस के बारे में, कुछ बताएंगे आप? और मैं भारत देश के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जी सर, ये जो पापराजी हैं, क्या पापराजी? अच्छा पापड़ जी, पापराजी जो अपने मोबाइल फोन निकाल के चालू जाते हैं कहीं भी कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, इनके अगेंस्ट हमको कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। तो आप जाइए और हाई स्पिरिटेड लाइफ और हाई स्पिरिटेड ह्यूमन पे जाके कमेंट्स में आप अपने गंद फैलाइए, गंद फैलाइए जी। अगर आपको हगना है तो आप कमेंट सेक्शन में हाई स्पिरिटेड के वहाँ पे जाके हगो, बेस्ट प्लेस है। घर से कचरा निकालिए, घर से कचरा साफ कीजिए। मेरा देश बदल रहा है, तूने चेंज कर दिया ना अभी आगे। क्या क्या क्या, कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग में वापस आ जाएगा, बीप कर देना उसमें। ये भी डाल दूंगा मैं कि बीप करने का बोल रहा है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, मेरे हिसाब से बीप नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें अनफिल्टर्ड जानी चाहिए। तो आप लोग कमेंट, सबको राइट है ना अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का, बीप ना करें जाए इन चीज़ों। अगला वीडियो, अगर ये वीडियो पे अगर आप अगर कमेंट्स में आएंगे कि अगला वीडियो में बीप बीप नहीं होना चाहिए, तो मैं खुल के बातें करूँगा। आप मेरे मुँह से बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे शब्द सुनेंगे, जिनको सुन के आपको 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 क्या किसकी प्राप्ति होगी? रुको जरा, संतुष्टि की प्राप्ति होगी। रुको जरा, सबर करो, रुको जरा सबर करो। उस बंदे को कवर कीजिए आप, वो भाग गया, नीचे भाग गया। द मैन इज बैक। 25 इंच 26 मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, भारी करना, पोज पोज दे दे बॉडी अपनी, बाइसेप्स तो देगा। ट्राइसेप्स कितनी है? बहुत डन है, तेरा भी डन है ना? 25-26 नवंबर डन है? यस, इसका भी डन है। बोल देना क्या करने कुछ और ना सही।